कि महाशिवरात्रि के दिन हम लोग सब साथ शिव की स्तुति गा रहे हैं। शिव यानी सदाशिव, इन्हीं से सृष्टि शुरू हुई है और इन्हीं में खत्म होती है। सबसे पहले अगर आप ब्रह्म को समझे तो ब्रह्म से शक्ति और शिव जैसे कि एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, उसी की तरह शिव और शक्ति सबसे पहले ब्रह्म में स्थापित होते हैं। सृष्टि कैसी हुई, किस प्रकार ये घटना घटित हुई, किस प्रकार ब्रह्म शिव और शक्ति के रूप में प्रकट हुए, ये सारी बातें मैं आपको शनिवार और रविवार में बताऊंगी। लेकिन शिव से निकलती हुई शक्ति जब एक पाराबोली में घूमती है, जब एक प्रदक्षिणा लेती है, तो एक एक विश्व तैयार होते हैं। ऐसी अनेक प्रदक्षिणाएं शक्ति की होती रही, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अनेक विश्व तैयार होते रहे, अनेक भुवन तैयार होते रहे और मिटते भी रहे, शिव से शक्ति हट करके विश्व बनाती है। शिव सिर्फ साक्षी स्वरूप रहते हैं, वे खेल देखते रहते हैं शक्ति का। शक्ति का अगर खेल उनकी समझ में ना आए तो वो जब चाहें तब अपनी शक्ति अपने अंदर खींच ले सकते हैं, सारा ही खेल बंद हो जाता है। वे ही दृष्टा है, वही देखने वाले हैं, वही इस खेल के आनंद को उठाने वाले, उन्हीं के कारण सारा खेल है। इसलिए अगर वो न रहे तो सारा खेल खत्म हो जाता है। वो स्थिति है, उन्हीं के कारण एग्जिस्टेंस होता है। मनुष्य के हृदय के कारण ही वो जीवित माना जाता है। जिस वक्त उसका हृदय बंद हो जाता है तो उसे मृत माना जाता है। जब शिव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो उसे संहारक कहा जाता है। वही स्थित होते हैं और वही लय हो जाते हैं, क्योंकि वो स्थित हो सकते हैं, वो लय भी हो सकते हैं। इस कुंडलिनी शास्त्र में शिव का स्थान आपसे मैंने बताया था, हृदय में मनुष्य के अंदर एक दीप ज्योति की तरह हर समय जलते रहते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर सत असत विवेक बुद्धि जागृत रहती है, जो हमें मना करती रहती है कि ये नहीं करो, ये गलत है, ये अधर्म है, ये बुरी बात है।
ये कपट है, ये लोभ है, ये मद है, ये मत्सर है, ये अधर्म है, ये मनुष्य की प्रतिष्ठा से गिरा हुआ काम है, ये शोभनीय नहीं है। लेकिन मनुष्य में जो स्वतंत्रता है उसे वो पूरी तरह से उपयोग में लाता है और शिव की अवहेलना करता है। शिव सारे संसार का गरल पी लेते हैं, जितना भी विष हमारे हृदय में बसा रहता है, दूसरों के प्रति घृणा हिंसा आदि अत्यंत बुरे विचारों से जो हमारा हृदय विषैल हो जाता है, उसको शिव हमारे अंदर जब जागृत होते हैं तो उसे पी लेते हैं। शिव का खाद्य ही, उनका पीना ही गरल है। जो कुछ भी नशेली चीजें हैं, मद्य आदि, जो चेतना के विरोध में नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें शिव प्राशन कर लेते हैं। संसार का जितना भी इस प्रकार का विष है उसे वो ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए उनको महाशिवरात्रि के दिन हम लोग प्रतीक रूप में भंग आदि नशेली चीजें अर्पित करते हैं। इसका अर्थ मनुष्य ये लगा लेता है कि अगर शिव भंग पीते तो हम भी पिए, अगर शिव शराब पीते हैं तो हम भी शराब पियेंगे। आप क्या शिव जी हैं? उनके पांव के धूल के बराबर भी आप हैं। जिन्होंने संसार का सारा गरल पी लिया उसके भी पीने वाले कोई चाहिए। देवी सारे भूतों को खा जाती है, रक्त बीज का जो रक्त संसार में गिरता था उसके एक एक गुण को देवी चाट दे, क्या आप लोग इसे चाट सकते हैं? आप लोगों का क्या उनसे मुकाबला है जो आप शिव जैसे भंग पीने निकले? शिव चाहे दुनिया भर की भंग पी ले उन पे चढ़ती नहीं, आप लोगों का ये हाल है? शिव एक दैवी संपदा, अवतरण है। अवतरण हम समझते नहीं चीज क्या होती, उसका लोहा ही दूसरा होता है, उसकी व्यवस्था दूसरी होती है। क्या आप उस तरह से बने हुए हैं? क्या आप उस कार्य के लिए बने हुए हैं कि दुनिया भर का आप जहर पी लें? बहुत से लोग ये कहते हैं कि मां हमारे कुछ शराब चढ़ती है, इससे बढ़कर और कोई भी झूठ नहीं हो सकता। कुछ बड़े बड़े गुरु भी जैसे कि साईनाथ शिरडी के, वो भी एक अवतरण थे, वे चिलम पीते थे। तो आप सब लोग चिलम पीने लग गए क्या? आप साईनाथ हैं? वे तो इसलिए पीते थे कि आपके हाथ कोई चिलम ही ना लगे, सबकी चिलम ही पी डाले एकदम, सबकी चिलमे पचाने के लिए वो पीते थे। क्या आप लोगों में ये शक्ति है कि आप चिलम पी सकते हैं? उनको कैंसर नहीं हो सकता था। शिव के भक्त जो है उन्हें शराब छूना भी नहीं चाहिए, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। बजाय इसके जितने भी तांत्रिक हैं वो पांच मकान लेके बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? अपने को शक्त कहलाते हैं, शक्ति के पुजारी कहलाते हैं,
शिव के पुजारी कहलाते हैं और इस कदर व्यभिचार। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।